हमारे बाज़ वो मलंग बाबे जो होते हैं वो कहते हैं जी नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया गया, नमाज कायम करने का हुक्म दिया गया है, हमने दिल के कायम की हुई है। ये उनकी खुद साख्ता तोजी है। नमाज कायम करने का हुक्म अहले ईमान को दिया गया हुजूर की वसातत से, और हुजूर अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि नमाज कायम करें। तो आका करीम अलैहिस्सलाम से बेहतर उसका मफहूम कौन समझ सकता है। तो आका करीम ने रुकू और सुजूद वाली नमाज पढ़ी और क़याम नमाज का अमली इजहार लोगों के सामने रखा। फिर उसके अंदर कैफियत किस कदर हो तो ये फिर जितनी कुर्बत अल्लाह की बंदे को नसीब होगी उस कदर वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये बातिल तोजीहात ये जाहिल लोगों की, जिसके बदन से बदबू के बबोके फूट रहे हों और जिसके जिस्म में जुएँ पड़ी हों और जिसने 6 साल से गुसल ना किया हो, वो इस एतमाद से कह रहा होता है हमने कायम की हुई है, हमने दिल की कायम की हुई है। अल्लाह अकबर। तो ये इस माशरे में ऐसे लोगों को मानने वाले और ऐसे लोगों की बातों को गौर से सुनने वाले और उन जाहिलाना बातों को मार्फत की बातें करार देने वालों की कमी भी नहीं है। तो अल्लाह ताला जल्ला शानुहू से हिदायत मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें हिदायत का नूर नसीब फरमाए। तो इकामत नमाज से क्या मुराद है, उसकी फ़राइज़ के साथ अदा करना, या फिर रुकू सुजूद तिलावत का इतमाम और उसमें खुशू का और खुजू का इजहार और उसमें मुकम्मल डूब जाना कि गोया तुम अल्लाह की इबादत कर रहे हो तो उसको देख रहे हो। और हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने सही वज़ू किया, हुजूर अलैहिस्सलाम से रिवायत कि जिसने सही वज़ू किया जिस तरह मैंने वज़ू किया है और 2 रकत पढ़ी और उसमें उसको किसी गैर का ख्याल ना आया तो अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देता है, सिर्फ 2 रकत से। लेकिन अगर सारी नमाज ही ख्यालों से भरी पड़ी रही और तसव्वुरात कहीं और भटकते रहे और इंसान खड़ा नमाज में है लेकिन बहकता कहीं और रहा तो फिर वो नमाज की सही इकामत नहीं होगी। तो इकामत सलात से मुराद जो है वो या तो उसको फ़राइज़ व वाजिबात के साथ अदा करना और दूसरा मफहूम के खुशू के साथ पूरे अराकीन का एतदाल और इतमाम। तो दोनों इसके मफहूम बयान फरमाए गए हैं। तो जाहिर है कि इब्तदा के अंदर तो कोशिश होगी कि फ़राइज़ वाजिबात पूरे हो जाएं, तो वो खुशू अगर नहीं भी हासिल हो पाया तो फिर भी कोशिश जारी रखनी चाहिए, ना ये कि अब वो तो कैफियत ही नहीं नसीब हो रही तो मेरा नमाज पढ़ने का क्या फ़ायदा। हज़रत मुहद्दिस कछोचवी अलैहिर्रहमा से किसी मुरीद ने कहा, हज़रत नमाज पढ़ता हूँ लेकिन लुत्फ़ नहीं आता, मज़ा नहीं आता। तो आपने उसे सवालिया अंदाज में पूछा कि इसके बावजूद भी पढ़ते हो? उसने कहा जी वो तो फ़र्ज़ है, पढ़ता तो हूँ। तो आप झूमने लगे। फरमाया वाह वाह, तुम्हें मज़ा नहीं आता फिर भी पढ़ते हो, इसका मतलब है तुम मज़े के लिए नहीं अल्लाह के लिए पढ़ रहे हो। तो अगर लुत्फ़ आ जाए, वो कैफियत, वो हज़, वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर नहीं भी है तो उसका फरीज़ा तो है उसकी तरफ से जो आयद होता है। तो वो शक्ल बना के तो खड़े हों, वो सूरत बना के तो खड़े हों, तो किसी दिन वो कैफियत भी पैदा हो जाएगी। खुरश दे बदुर्रा जो कुब को हमाम के यक रोज़ उफ्तद हमाए बदाम। सादी शिराज़ी फरमाते हैं कि दाने डालता रहे, चोगा डालता रहे, कभी कबूतर आएगा, कभी कौवा आएगा, कभी कोई और फाख्ता आ जाएगी, लेकिन किसी दिन वो भी आ जाएगा जिसके लिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो। तो इसलिए मेहनत को जारी रखो, कोशिश करते रहो, तो एक दिन इंशाल्लाह उस कैफियत में भी चले जाओगे। दरवाज़ा खटखटाना छोड़ना नहीं है, दस्तक देते रहो, कभी तो बुआ खुलेगा ना, कभी तो आवाज़ आएगी खुला है दरवाज़ा आ जाओ अंदर। फिर अंदर सुरूर की वादी होगी, कैफ का जहां आबाद होगा। और आका करीम ने हमारे लिए आसानी पैदा फरमा दी कि अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि गोया तुम उसे देख रहे हो, और अगर ये नहीं तो कम से कम ये कैफियत तो हो कि वो तुम्हें देख रहा है। तो अपनी अपनी कैफियत होती है। बहरहाल नमाज को तर्क नहीं करना, भरपूर कोशिश हो कि खुशू व खुजू के साथ नसीब हो। तो नमाज की इकामत का यही मफहूम है।